नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य की हाथ की रेखाओं में उसका भविष्य लिखा होता है। हाथों की रेखाओं को देखकर मनुष्य के वर्तमान तथा भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सिर्फ हाथों पर बनने वाली लकीरें ही नहीं, उपती माथे पर बनने वाली लकीरें या शरीर पर पाए जाने वाली कई निशान मनुष्य के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। शायद यही वजह है ज्योतिष हमारे शरीर पर पाए जाने वाले इन निशानों को देखकर हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी कई बातों के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद कभी कभी हम अचंभित रह जाते हैं कि सामने वाले को कैसे पता चला कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है या हो चुका है या फिर होने वाला है। ज्योतिषियों के लिए यह बहुत ही आसान होता है कि वह आपके हाथों की लकीरों को देखकर आपके जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात आपको बता दे, क्योंकि उन्हें हाथों की रेखाओं का ज्ञान होता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र में हाथों की कलाई पर मौजूद रेखाओं के संदर्भ में बताई गई कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आप इन बातों से अनजान हो, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाथों की हथेली पर मौजूद यह रेखाएं मनुष्य के जीवन से जुड़े कई राज खोलती हैं। दरअसल हम जिन रेखाओं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं को मणिबंध रेखा कहा जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर किसी को कलाई पर इस तरह की कुछ रेखाएं मौजूद होती हैं। कलाई पर मौजूद होने वाली यह मणिबंध रेखाएं व्यक्ति के उम्र के बारे में बताती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंसान के कलाई में इन रेखाओं की स्थिति अलग अलग तरह से होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कलाई में इन रेखाओं की संख्या 4 होती है, ऐसे लोग शतायु होते हैं, अर्थात उनकी आयु बहुत लंबी होती है। जिन लोगों की कलाई में इन रेखाओं की संख्या 3 होती है, ऐसे लोग तकरीबन 70 से 75 साल की आयु जीते हैं। जिन लोगों की कलाई में यह रेखाएं 2 होती, ऐसे लोगों की आयु लगभग 50 से 55 साल होती है। जिन लोगों के हाथों में यह रेखा केवल 1 होती है, ऐसे लोग अल्पायु होते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों के ताई हाथों में इन रेखाओं को देखा जाता है, जबकि महिलाओं के बाएं हाथ में इन रेखाओं को देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की कलाई में मणिबंध रेखाएं बिल्कुल सीधी बनी होती है और बीच में कहीं भी नहीं टूटती, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के हाथों में रेखा ना होकर बीच में टूटी हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है।